पिछले कई दिनों से माफिया अतीक के नाबालिग बेटे अहजम की खबरें सुर्खियों में थी, क्योंकि अतीक का बेटा अहजम, जो कि अब तक बाल संरक्षण गृह में था, वो बालिग हो गया था, जिसके बाद लोगों के मन में यही सवाल था कि आखिरकार अतीक के चौथे नंबर के बेटे अहजम को अब कहां भेजा जाएगा, जेल या फिर रिहाई होगी, क्योंकि अतीक की तो हत्या हो चुकी है। वहीं अहजम की मां शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही हैं, लेकिन आखिरकार सोमवार को अतीक के बेटों की रिहाई को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया। साथ ही मामले में अब नया मोड़ भी आ गया है, क्योंकि अहजम बालिग हो चुका है, उसकी रिहाई पर सस्पेंस था, लेकिन बाल कल्याण समिति के आदेश पर अतीक के दोनों बेटों को, यानी कि अहजम और अबान को बाल सुधार गृह राजरूपपुर से रिहा कर दिया गया है और दोनों बच्चों की कस्टडी अतीक की बहन शाहीन को दे दी गई है। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के नाबालिग बेटे का भी नाम सामने आया था। जांच में पुलिस को पता चला था कि उमेश पाल हत्याकांड में जो आईफोन इस्तेमाल किए गए थे, उनकी कोडिंग अतीक के बेटे अहजम ने की थी, लेकिन नाबालिग होने के चलते अतीक के दोनों बेटों को बाल सुधार गृह में रख दिया गया था। आपको बता दें कि कुछ समय पहले अतीक की बहन शाहीन ने अतीक के दोनों बेटों की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी का फैसला बाल कल्याण समिति पर छोड़ दिया था, लेकिन आखिरकार सोमवार को बाल कल्याण समिति ने इस पर फैसला ले लिया है। बता दें कि इसी मामले को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां बाल कल्याण समिति दोनों बच्चों की कस्टडी पर कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।